का सहारा लेकर अफवाह फैला रहे लोगों की पूरी कोशिश सफल नहीं हो रही। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नौटंकी बंद करें और जनता के मुद्दों पर बात करें। जब हम विपक्ष में थे तो झूठ के बजाय सत्य के आधार पर राजनीति करते थे। उक्त बातें शुक्रवार को फतेहपुर जिले में सड़क शिलान्यास के एक कार्यक्रम में आए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। जी हां, जिले के बहुप्रतीक्षित गाजीपुर विजयपुर मार्ग के चौड़ीकरण व निर्माण का शिलान्यास करने के लिए आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जनपद फतेहपुर के अयाशा विधानसभा के सह कस्बे के स्वामी गोविंदपुरी इंटर कॉलेज सह में आगमन हुआ और उन्होंने विद्यालय से ही सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण में 34,56,00,000 रुपए स्वीकृत हुए, जिसकी कुल लंबाई लगभग 34 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विपक्ष देश के मुसलमानों को झूठ के सहारे बरगला रहा है और देश व प्रदेश में अफवाहें फैलाकर बवाल खड़ा करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी नौटंकी बंद करें और जनता के मुद्दों पर बात करें, जिससे समाज का उत्थान व भला होगा। अखिलेश व मनमोहन की सरकार में हम लोग भी विपक्ष में रहे, लेकिन हम लोग झूठ व अफवाहें नहीं फैलाते थे। सत्य व देश हित के आधार पर मुद्दों को उठाकर राजनीति करते थे। प्रदेश की कानून व्यवस्था के सवाल पर कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अखिलेश सरकार में जनता भयभीत रहती थी, लेकिन आज अपराधियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज रही है, जिससे जनता भयभीत नहीं है। इस अवसर पर जिले के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और क्षेत्रीय विधायक विकास गुप्ता सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में और देश में एक बवाल खड़ा करने का काम किया, लेकिन अब इनकी कोई भी कोशिश सफल नहीं होने पा रही। कभी विशेष प्रियंका वाड्रा जा रही है तो कभी अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। तो यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर के नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, अपनी नौटंकी बंद करें और जनता से जुड़े हुए कोई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सरकार के खिलाफ अगर उनके पास कोई मुद्दा है, मैं तो यह मानता हूं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, अन्यथा सरकार के खिलाफ किसी मुद्दे पर जो लोकतांत्रिक तरीके से किसी राजनीतिक दल को अधिकार होता है। हम भी विपक्ष में थे, हमने भी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के खिलाफ, श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। न कभी हमने लोकतांत्रिक तरीके छोड़े और न कभी हमने झूठ और अफवाह का सहारा लिया। सत्य के पद पर चलते हैं और सत्य के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं और सत्य के आधार पर 2014 जीते हैं, 17 जीते हैं, 19 जीते हैं और 22 भी जनता के आशीर्वाद से जरूर जीते। प्रियंका जी, जय श्री राम। बताया उसी पर एनसीआरबी के आंकड़े आए, उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है, महिलाओं के से जुड़े अपराधों में 6% की बढ़ोतरी आई है। आप कह रहे हैं सब कुछ सही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अब अपराधी कोई बच नहीं पा रहा है, कोई संरक्षण नहीं कर पा रहा है। जो कोई अपराध करता है उसका हमारी पुलिस खुलासा कर रही है और मैं यह मानता हूं कि आज आम जनता सपा के शासन में जैसे जनता भयभीत रहती थी, जनता भयमुक्त। जेएनयू में कल प्रदर्शन हुआ, सर गैयन का कुछ करी हो करने दो, वहाँ की जो व्यवस्था है वहाँ के लोग हल कर बाद वहाँ की जनता सड़कों पर उतर करके आ गई। अरे सर, किसान के लिए गाय का करिए। सर, नोएडा की जनता सड़कों पर उतर आई, नोएडा की जनता कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उसमें बीजेपी की गवर्नमेंट खराब हो चुकी है, कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के। अरे सर, किसान के लिए गाय वाय की व्यवस्था, सर समस्या खड़ी कर आखिर सड़क जनता की सड़क पे आ गई। अरे सर, किसान के लिए गाय वाय की जल्दी खबर कवर करने के लिए जा रहे हो, इतनी बढ़िया सड़कें बना दिया। इसको देखो तो आपको लगेगा कि भारत की गई है।